हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो दोस्तों, ये वाली प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी होती है तो आप इस प्रॉब्लम का किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो दोस्तों, इस भाई को क्या हुआ कि इसका मोनेटाइज जो है डिसेबल हो गया। तो यहाँ पे आप देखा भी स्क्रीन पे, यहाँ पे कोई रिप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि जब वो वापस मोनेटाइज 30 दिन के बाद मोनेटाइज के लिए वापस रिप्लाई करने गया, तो यहाँ से रिप्लाई का ऑप्शन ही नहीं था, गायब ही हो गया था। और वहाँ पे कुछ आइडेंटिटी के बारे में बता रहा था। तो दोस्तों, इसका क्या हुआ था, जो मोनेटाइज है ना, वो पहले से डिसेबल हो गया था, और जो आइडेंटिटी वेरीफाई करना वो भी साथ में ही था। तो दोस्तों, आइडेंटिटी वेरीफाई मतलब जैसे मोनेटाइज चैनल होता है, और पहले क्या होता था, $10 होने के बाद ही जो अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी एडसन में भले $1 या $2 हो, फिर भी आईडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ता है। तो इस भाई ने पहले मेरे को बताया था, तो मैंने देखा था यहाँ पे 45 दिन के अंदर आईडेंटिटी वेरीफाई नहीं किया था, मोनेटाइज डिसेबल हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने उसको बताया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि आईडेंटिटी वेरीफाई हम नहीं कर पाए, क्योंकि जो इनका पैन कार्ड है वो दोस्तों नहीं बना था। कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उसमें, तो नहीं बना था उसका पैन कार्ड। तो फिर जब बना, और तब क्या, तब मतलब हमने वेरीफाई किया इसका काम। अभी मैंने आईडेंटिटी वेरीफाई सक्सेसफुल कर दिया है, लेकिन फिर मतलब मेरे से पहले इस भाई ने भी एक बार आईडेंटिटी वेरीफाई किया था, लेकिन उसने अप्लाई किया था और उसके बाद 3 दिन बाद ही रिप्लाई आया था दोस्तों। तो मतलब आईडेंटिटी वेरीफाई नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी नाम में, और उसको सारा मतलब मेल नहीं खा रहा था, तो इस वजह से आईडेंटिटी वेरीफाई सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो फिर इस भाई ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, जो ये अभी गुजरात के रहने वाले हैं, और मेरे से बात हुई। तो दोस्तों, मैंने इसके चैनल को मतलब चेक किया, ईमेल पासवर्ड इन्होंने मेरे को दिया था, तो फिर मैंने इसके चैनल को चेक किया, तो मुझे सब इस तरह से नज़र में आया। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, इसको फिर रिप्लाई करने का ऑप्शन तो था ही नहीं, तो फिर मैंने आइडेंटिटी इसका वेरीफाई किया, और फिर देखा मैंने तो आधे घंटे बाद फिर आइडेंटिटी वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका था। आधे घंटे में आइडेंटिटी वेरीफाई हो गया, और फिर मैंने फिर देखा वहाँ पे, तो जो रिप्लाई करने का ऑप्शन फिर भी नहीं आया था। तो फिर मैंने कुछ टाइम के लिए उसे फिर छोड़ दिया, फिर आधे घंटे के बाद देखा तो फिर मुझे वहाँ पे रिअप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका था। तो फिर दोस्तों, मैंने फाइनली उस चैनल को रिप्लाई कर दिया। वो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि रिप्लाई करने का ऑप्शन जो नहीं था वो अभी यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम मैंने इस तरह से सॉल्यूशन इसका निकाला है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप भी इस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आएगा जब तक आप आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करते हो। अगर आप यूट्यूब में आप काम करना चाहते हो, तो पैन कार्ड पहले से बनवाने के लिए रख दिया जाए, ताकि बाद में आपको इस तरह से पछताना ना पड़े और ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों, इसका आईडेंटिटी वेरीफाई किया और सारा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे मतलब बहुत सारी वीडियो मैंने आइडेंटिटी वेरीफाई के ऊपर डाल दी है। तो फिर बार बार आइडेंटिटी वेरीफाई के वीडियो भी मैं नहीं डाल सकता, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। अगर आप देखना चाहो तो मैंने पहले से वीडियो बना रखी है आइडेंटिटी वेरीफाई पे। तो बस इस वीडियो में आपको यही सूचना देनी थी, ताकि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हो, अन्यथा पैन कार्ड जल्दी बनवाने के लिए रख दे, ताकि आपको मेन समय पे ऐसा ना हो, और फिर आप कभी मोनेटाइज डिसेबल ना हो। तो बस दूसरी वीडियो को रिमेंड करते, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।